संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा लॉकडाउन दियां ये सुनियां सड़कां किते भुल तां नहीं गए। पूरी तरह ठप्प व्यापार ते बंद बाजार किते भुल तां नहीं गए। अपने घरों निकलन तो पहला पुलिस ते डंडियां दा डर किते भुल तां नहीं गए। हजारा किलोमीटर पैदल ही अपने घरां नूं जाण दी दौड़ किते भुल तां नहीं गए। भुखे प्यासे लंगर उडीकण दी मजबूरी किते भुल तां नहीं गए। दसंबर दे आखिरी हफ्ते लॉकडाउन दियां ये तस्वीरां तुहानूं इसलिए विखा रहे हैं क्योंकि जो चहल पहल पंजाब च अज नज़र आउंदी है वो साल 2020 चढ़ते सार ही किते गायब हो गई सी। इसलिए करोना दे नाम लगे इस साल दियां कुछ अनोखियां, कुछ बेदर्द ते कुछ जिंदगी दे असल मायने समझाउण वालियां तस्वीरां अज तुहानूं विखाएगी साडी ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया च करोना दी दस्तक दे बाद भारत दे विच भी इस दी एंट्री होई ते सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। 22 मार्च नूं देश अंदर जनता करफ्यू लग्या अते 23 मार्च नूं पंजाब दे विच पूर्ण तौर ते करफ्यू लगा दिता, जिस दे बाद 24 मार्च नूं पूरे देश अंदर लॉकडाउन दा ऐलान किया गया। इस दौरान बाजार, पार्कां, स्कूल, दफ्तर, मंदिर, गुरुद्वारे सब लोगों लिए बंद हो गए। इत्थों तक कि दहाकियां दीयां अरदासां दे बाद खुलिया करतारपुर कॉरीडोर भी 5 महीने बाद ही बंद करना पिया। यह ओह समा सी जदों मास्क, सैनिटाइजर ली होड़ अते घरां च बंद लोकां दा डर ही विखाई दिंदा सी। पंजाब दे विच करोना दी दहशत उस वेले दिखी जदों अमृतसर च पहले मामले की पुष्टि हुई। इस वेले की वड्डी खबर अमृतसर तो, जिथे कोरोना वायरस के शक्की मरीजों के पुणे भेजे गए सैंपलों के विचों एक दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इहदे बाद मीडिया रिपोर्टां च गिणती 5, 10, 100 फिर 1000 तो वध के लखां तक पहुंचती दिखी। इस वेले दी अहम खबर देश दे विच कोरोना के मरीजों का अंकड़ा 1 लाख तो पार हो चुकी है। हुण तक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की कुल गिणती 1,01,039 हो चुकी है। नवां शहर तो कोरोना नाल पहली मौत दी इस खबर ने पूरे पंजाब नूं हिला के रख दिता ते मृतक बलदेव सिंह दी तस्वीर हर किसी दे जहन च वस गई। नाल ही कोरोना प्रति पंजाब दे लोकां दी गंभीरता भी वधी क्योंकि बलदेव सिंह होले मोहल्ले दे विच भी शामिल होया सी ते उन्हां दे संपर्क च आए कई लोग भी बाद च पॉजिटिव पाए गए। इस कोरोना काल च सेहत प्रशासन भी उदों सवालों च आ गया जदों अमृतसर च कोरोना मरीजां दीयां लाशां ही बदल गईयां। लापरवाही दे आरोप पद्म श्री निर्मल खालसा दी मौत दे बाद फिर लगे, जिन्हां ने एक ऑडियो राही हस्पताल च सही इलाज ना मिलण दी गल आखी सी। डॉक्टर जी ठीक हो डॉक्टर जी, तुसीं किथे हो डॉक्टर जी? बाहर डॉक्टर जी आगे तो मैंने 9 रात को दवाई दी तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। बस सुसाइड कर लेनी है। नहीं डैड जी कुछ नहीं, डैड जी तुसी ना इदा करो भी ठीक हो जाना वा। लॉकडाउन के दौरान होर की कुछ होया वो भी दसांगे, पर पहला जरा पंजाब के कुछ वड्डे शहरां दी उस वेले दी अते अज दी स्थिति देख लो। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हब जलंधर शहर जिदी रफ्तार ते लॉकडाउन की अजही ब्रेक लगी कि इथों का वड्डा बस स्टैंड भी खाली हो गया। बसां एक पासे खड़ियां जरूर सन पर सवारी कोई भी नहीं। कई महीने तक इंतजार करने वाले जलंधर के इस बस स्टैंड से अज मुसाफरां दियां पूरियां रौनकां ने। मेरे पिछे तुसीं तस्वीरां दे विच वड्डी गिनती दे विच मुसाफरां अते बसां वेख सकदे हो जो कि अपनी मंजिल वल जा रही ने। इस नूं वेख के लगता नहीं कि कभी इत्थे भी सन्नाटा पसरिया होवेगा। हौजरी प्रोडक्शन लिए मशहूर लुधियाना शहर की रौनक भी जिमें लॉकडाउन च किते गवाच गई। इसलिए शहर की लाइफलाइन मन्ने जाते जगराऊं पुल ते या तो खाली सड़क दिखती सी ते या फिर पुलिस मुलाजमां दे नाके। मैं इस वेले लुधियाना दे जगराऊं पुल उत्ते खड़ी हाँ ते मेरे पिछे तुसी गड्डियां दियां लंबियां कतारां देख सकते हो जो कि शहर की चहल पहल नूं बखूबी बयान करदियां ने। लेकिन सितंबर महीने तो पहला यही जगराऊं पुल लॉकडाउन कारण एक बार सुनना पै गया सी ते हुण कोई नहीं चाहुंदा कि लुधियाने शहर दे विच इहो जे हालात दुबारा देखण नूं मिलन। कोरोना दी दहशत ते लॉकडाउन ने रूहानियत दे केंद्र हरमंदर साहब नूं भी सुन्ना कर दिता। इतिहासक शहर की पछाण मन्ने जांदे हाल गेट च भी कोई विरला ही विखाई दिंदा सी। दुकानां बंद सन ते शहर वासी घरां अंदर रहण लई मजबूर। असीं इस वेले खड़े हाँ अमृतसर की पछाण मन्ने जांदे हाल गेट ते। ये उही बाज़ार है जो लॉकडाउन के दौरान हमेशा बंद रहा पर हुण इस बाज़ार दीयां रौनकां मुड़ तो वापस आउंदियां विखाई दिंदियां हन। सन्नाटे ते खालीपन दे इलावा कुछ अजिहियां तस्वीरां भी इस लॉकडाउन अते कोरोना काल दे दौरान सामने आईयां जो शायद ही कोई भुल सकदा है। फिर चाहे वो नियम तोड़न वालियां दे पैण वाले पुलिस ते डंडे होण ते या फिर घरां दे विच बर्थडे केक लैके जा रही पंजाब पुलिस, इंसानियत नूं झंझोड़ देण वालियां भी कुछ तस्वीरां इस दौरान सामने आईयां जो शहर दियां गलियां तो लैके हाईवे तक सिरां ते समान चुक हजारा किलोमीटर दूर निकले मजदूर दिखे। किते बीमार पिता नूं साइकिल ते लजांदी धी दी मजबूरी दिसी ते किते सूटकेस ते सुत्ते मासूम दी लाचारी। इदे नाल नाल जो लोग अपने घरां नूं नहीं जा रहे सी उन्हां दा दर्द इस तो भी वध सी क्योंकि कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिता ते झुग्गियां चौंपड़ियां च रहण वालियां नूं रोटी तक दे लाले पै गए। हालांकि रोटी तो मुताज इन्हां लोकां लई समाज सेवी संस्थावां भी अगे आईयां ते सरकारां ने भी राशन वंडे तां जो इस महामारी दे दौरान कोई भुखा ना सोवे। बेदर्द तस्वीरां दे बाद जरा शानो शौकत वाले पंजाब दे विआह दी तस्वीर भी देख लो जिसनूं लॉकडाउन ने पूरे तरीके नाल बदल के रख दित्ता। हर पासे सादे विआहां दी रीत तुर पई ते वड्डे घरां दे काके भी मोटरसाइकलां ते डोलियां लिआउंदे विखाई दित्ते। अच्छा तुहानू किदां दा लग रिहा तुसीं अज मोटरसाइकल दे उत्ते जेहड़ी अपनी शादी करन वास्ते चले जो? अज अजीब लगन दिया जी, वखरा एक वैसे ते गड्डियां 'च जांदे चलो जो मारा ने मुंजे समय दे हिसाब नाल समर देखना पैंदा जी। होर तां होर जो भंगड़े पहला विआह शादियां ते पैंदे सी ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਖੂਬ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ते महामारी दे प्रति एकजुटता दिखाई। खैर अनलॉक के बाद कोरोना की दहशत खेती कानून खिलाफ शुरू हुए किसान अंदोलन के नाल कुछ घट गई ते जदों धरनाकारी किसानां लई धारा 144 पंजाब च हटा दी गई तां कोरोना मानो मुखिया ही समझिया जाण लगा। लेकिन ये चुनौतियां वाले साल दे नाल कोरोना जांदा नहीं जाप रहा। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी।